York. बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी. टॉर्क क्या होता है? रोटेशनल इफेक्ट, या इसको आप कह सकते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स. यानी कि अगर आप कोई फोर्स लगाएं और वो एक टर्निंग इफेक्ट, एक रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करे, वो किसी भी किस्म की रोटेशन प्रोड्यूस करे, तो हम उसे क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि टॉर्क प्रोड्यूस हुआ. फॉर एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल्स में आपको देती हूँ और हम उसी पे अपना ये पूरा टॉपिक बिल्ड करेंगे. ये एक दरवाज़ा, ठीक है, ये आप क्या करते हैं, इस नॉब पे फोर्स लगाते हैं, ये फोर्स अपनी तरफ या अगेंस्ट, या पुश करते हैं आप इसे या पुल करते हैं. फोर्स आप लगाते हैं दरवाजे पर और इफेक्ट क्या प्रोड्यूस होता है? ये दरवाज़ा रोटेट करता है, रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, यानी कि टॉर्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है. दूसरी एग्जांपल, ये है आपके पास एक स्पैनर जिससे आप नट टाइट करते हैं. ये मैं इसके अंदर नट बना देती हूँ. आप क्या करते हैं, इस हैंडल पे, यहाँ कॉर्नर पे, ये आप फोर्स लगाते हैं, यहाँ फोर्स लगाते हैं और इन टर्न इफेक्ट क्या प्रोड्यूस होता है एज ए रिजल्ट? ये परपेंडिकुलर फोर्स है, ये सीधा एरो है, ठीक है. और रिजल्ट क्या प्रोड्यूस होता है कि ये स्पैनर ऐसे रोटेट करता है. इस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाएंगे तो ये ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है. ये दूसरी एग्जांपल. एक और एग्जांपल लेते हैं. ये एक सीसॉ है. इस पे आप जब बैठते हैं यहां पर अपना वेट पूरा रख के, तो वेट आपको पता है हमेशा डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होता है. यानी कि यहाँ जो फोर्स लगती है एफ, जो आपके वेट की वजह से है, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में लग रही है. और एज द रिजल्ट क्या होता है कि ये सीसॉ इस पॉइंट के गिर्द रोटेट कर रहा होता है, ऐसे जैसे ये ऊपर गया है ये वाला पार्ट, तो ये रोटेट कर रहा है यहाँ से और यहाँ से. तो इन तीनों एग्जाम्पल्स में फोर्स के रिजल्टेंट एक रोटेशन है, जो सिस्टम में रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है या रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ये टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है. इस टर्निंग इफेक्ट को या रोटेशनल इफेक्ट को हम कहते हैं टॉर्क. टॉर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल टाओ से. ये टाओ है जो रिप्रेजेंट करता है टॉर्क को. अब हमने ये फिगर आउट करना है कि ये जो टॉर्क है किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है, इसके फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स ऑन विच टॉर्क डिपेंड्स. अच्छा, वो हमें कैसे पता चलेगा? एक बात तो बहुत ऑब्वियस है, वो ये कि अगर आप ये फोर्स यहाँ इंक्रीज कर देंगे, फोर्स इंक्रीज करने का क्या मतलब है कि रोटेशन इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है. ये बहुत ऑब्वियस चीज़ है, हमें नज़र आ रही है. यहाँ पर आप फोर्स इंक्रीज करेंगे या इवन इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे लार्जर मैग्नीट्यूड के साथ, तो जैसे जैसे फोर्स इंक्रीज करती जाएगी ये रोटेशन इंक्रीज करती जाएगी. और रोटेशन इंक्रीज करने का क्या मतलब है कि टॉर्क इंक्रीज करता जाएगा. इसका मतलब है टॉर्क एक चीज़ पर डिपेंड करता है, डेफिनेटली डिपेंड करता है, वो है फोर्स. ये अभी सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रही हूँ. बाय मैग्नीट्यूड आई मीन रोटेशन, कितनी रोटेशन प्रोड्यूस होती है. टॉर्क का मैग्नीट्यूड यानी कि रोटेशन कितनी प्रोड्यूस होती है, ठीक है. तो जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतनी ज़्यादा रोटेशन होती जाएगी, उतनी ज़्यादा रोटेशन प्रोड्यूस होगी. अब एक और चीज़ पर टॉर्क डिपेंड करता है, वो ये कि आप ये देखें, ये जो पॉइंट है जहाँ से ये दरवाज़ा, ये वाला पॉइंट जहाँ दरवाजे की सपोर्ट है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, यहाँ से इस पॉइंट से डिस्टेंस इस पॉइंट तक,
ये जो पॉइंट है जहां पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. ठीक है, वो पॉइंट जहां आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यहां फोर्स अप्लाई होती है. और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा है, इसको हम कहते हैं पिवट पॉइंट. ये आपके लिए न्यू टर्म्स होंगी. पिवट पॉइंट क्या है, पॉइंट अराउंड विच बॉडी रोटेट्स, ऐसा पॉइंट जिसके गिर्द बॉडी रोटेट कर सकती है उसको हम कहते हैं पिवट पॉइंट. तो डोर का पिवट पॉइंट जो है ये जहां से उसकी सपोर्ट है. इसी तरह स्पैनर का पिवट पॉइंट यहां पर है क्योंकि इसके गिर्द स्पैनर रोटेट करता है. सीसॉ का पिवट पॉइंट ये क्योंकि वो इसके गिर्द रोटेट करता है. ठीक है, ये सब क्या है, पिवट पॉइंट्स. अच्छा, और ये हमारे हमें क्यों इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि हमारी एक ऑब्जर्वेशन है, अगर ये आपको क्लियर हो, कि अगर मैं यहां पर फोर्स अप्लाई करूं, यहां पर फोर्स अप्लाई करूं तो रोटेशन कम प्रोड्यूस होगी, नो मैटर मैं जितना मर्जी मैग्नीट्यूड इसका ले लूं, कंपेयर टू मैं अगर यहां पर फोर्स अप्लाई करूं. यानी कि मैं पिवट पॉइंट के जितना पास आती रहूं तो रोटेशन कम होती रहेगी. ऐसे ही है ना, या आप इस एग्जांपल को देखें, जितना आप पिवट पॉइंट के पास आते रहें रोटेशन उतनी ही कम होती रहेगी. इसको आप एक और इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर यहां आपका वेट कम है और जो दूसरे एंड पे बैठा हुआ है सीसा के उसका वेट ज्यादा है, तो उसको सेम रोटेशन प्रोड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको बैलेंस आउट इस तरह करना पड़ेगा कि वो पिवट पॉइंट के ज्यादा क्लोज बैठे. उस केस में क्या होगा कि रोटेशन सेम होगी क्योंकि ये जो डिस्टेंस है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से पिवट पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये इस केस में कम है क्योंकि वेट ज्यादा है. यानी फोर्स को बैलेंस आउट करना है हमने एक और क्वांटिटी से, इस क्वांटिटी को हम कहते हैं मोमेंट आर्म. मोमेंट आर्म क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि पिवट पॉइंट हम यहां से किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस ले सकते हैं. हम क्या लेते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन पिवट पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. ठीक है, बिटवीन इसको कह लेते हैं पी, और इसको हमने अगर कह लिया एफ, इसको पॉइंट ले लेते हैं बिटवीन पी एंड एफ. यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पिवट पॉइंट एंड फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट आर्म. ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं एल से. यानी टॉर्क का मैग्नीट्यूड, टॉर्क जो रोटेशन है उसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है दो क्वांटिटीज पर, एक फोर्स, जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतनी ज्यादा रोटेशन प्रोड्यूस होगी, और दूसरा क्या, मूमेंट आर्म. यानी डिस्टेंस बिटवीन पिवट पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पिवट पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यहां से लेकर इस पॉइंट से जहां पर फोर्स अप्लाई हो रही है उस पॉइंट तक का डिस्टेंस हमारा मूमेंट आर्म होता है. अगर मूमेंट आर्म ज्यादा होगा तो रोटेशन ज्यादा होगी, टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस होगा. अगर मैंने स्पैनर का मोमेंट, स्पैनर में रोटेशन ज्यादा करनी है, इंक्रीज करनी है बाय सेम फोर्स, तो मैं क्या करूं, इसकी लेंथ इंक्रीज कर दूंगी. लेंथ इंक्रीज करने का क्या मतलब होगा कि यहां अगर अब फोर्स लगेगी तो पिवट पॉइंट से इसका डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, जिसका मतलब होगा कॉन्सिक्वेंटली इसका टॉर्क ज्यादा हो गया है, इसको मूव करना आसान हो गया है. अगर आप दरवाजे के लिए, मैं इसका भी ड्रॉ कर दूं, अगर आप दरवाजे के यहां इस पार्ट पर फोर्स लगाते हैं तो रोटेशन प्रोड्यूस करना मुश्किल है कंपेयर टू अगर आप इस पार्ट पर फोर्स लगाते हैं, क्योंकि ये जो है ये पिवट पॉइंट से ज्यादा दूर है कंपेयर टू दिस पार्ट. ठीक है, तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये टॉर्क डिपेंड करता है इन दोनों क्वांटिटीज पर. फोर्स ज्यादा होगी तो रोटेशन ज्यादा होगी, मोमेंट आर्म ज्यादा होगा तो भी रोटेशन ज्यादा होगी. ये बात थी इसके मैग्नीट्यूड की. अब हमारी
कुछ ऑब्जर्वेशंस होनी चाहिए यहाँ से, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि रोटेशन प्रोड्यूस होती है जब आप फोर्स लगाते हैं, मैंने आपको बता दिया कि वो डिपेंड करती है फोर्स पर, फोर्स की मैग्नीट्यूड पर और मोमेंट आर्म पर, जो कि डिस्टेंस है पिवट पॉइंट से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक। अब आप यहाँ से एक चीज़ नोट करें कि नो मैटर पिवट पॉइंट पर आप जितनी ज़्यादा फोर्स लगा लें, जितनी मर्जी फोर्स लगा लें इस पॉइंट पर, इस पूरे लाइन में किसी भी पॉइंट पर आप जितनी मर्जी फोर्स लगा लें, आप रोटेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ऐसे ही है ना, आप इस पॉइंट पर जितनी भी फोर्स लगा लें आप रोटेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आप इस पॉइंट पर बैठ के जितनी भी फोर्स लगा लें आप इस सीसॉ में रोटेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, और हम यहाँ पर अपनी ऑब्जर्वेशंस लिख लेते हैं क्योंकि ये बाद में हमें कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में काम आएंगी। ऑब्जर्वेशन हमारी क्या है कि फोर्स ऑन पिवट पॉइंट इक्वल्स नो टॉर्क, ठीक है। जब भी पिवट पॉइंट पर फोर्स लगेगी तो किसी किस्म का भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। इस पॉइंट पर फोर्स लगाने से, इस पॉइंट पर फोर्स लगाने से रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। एक और पॉइंट भी है यहाँ पर, वो पॉइंट कौन सा है कि ये जो दरवाजा है ऐसे, ये इस दरवाजे की जो ये वाली साइड है इस पर आप जितनी मर्जी फोर्स लगा लें, ये ऐसे, और ये फोर्स क्या है, ये फोर्स उस लाइन के पैरेलल है। अगर आप गौर से देखें जो हमने ड्रॉ की थी बिटवीन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स एंड पिवट पॉइंट, समझ आई। यानी कि अगर मैं मोमेंट आर्म के पैरेलल फोर्स अप्लाई करूं, ये वाली स्पैनर को मैं यहां से पकड़ के ऐसे खींचूं, तो रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। इसी तरह अगर आप इस दरवाजे को इस पॉइंट पर फोर्स लगाएं अपनी तरफ पैरेलल या एंटी पैरेलल भी, यानी इस डायरेक्शन में, मोमेंट आर्म की डायरेक्शन में कोई भी फोर्स लगाएं, तो रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ मोमेंट आर्म अगेन इक्वल्स मोमेंट आर्म इक्वल्स नो टॉर्क, यानी मोमेंट आर्म की पैरेलल अब जितनी मर्जी फोर्स लगा लें, जितना मर्जी उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा कर लें, आपकी रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी, टॉर्क इसेंशियली जीरो होगा, ठीक है। अच्छा, अब जब मैंने कहा कि उसके पैरेलल, तो इसका मतलब है कि ये जो क्वांटिटी है ये इसकी एक डायरेक्शन है, इसकी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, और फोर्स दूसरा वेक्टर है। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आप इस वेक्टर के पैरेलल मोमेंट आर्म के पैरेलल फोर्स लगाते हैं तो आपके पास रिजल्टेंट जीरो होता है। इसका मतलब है कि ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी उस टाइम मैक्सिमम होती है जब दोनों फोर्सेस पैरेलल होती हैं, दोनों वेक्टर्स पैरेलल होते हैं। ये क्वांटिटी तब मैक्सिमम होगी जब दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे, और ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। सो टर्न्स आउट कि टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी जो डिपेंड करती है, हमने इसके फैक्टर्स निकाल लिए फोर्स और मोमेंट आर्म पे, और कन्वेंशनली हम लेते हैं एल क्रॉस एफ, मोमेंट आर्म इंटू फोर्स। सो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है जो मोमेंट आर्म और फोर्स का वेक्टर प्रोडक्ट है, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड हमने कहा कि वो डिपेंड करता है मोमेंट आर्म पे जो लेंथ है और फोर्स पे, और इसकी डायरेक्शन आपको पता है कैसे निकलेगी, बाय राइट हैंड रूल। अगेन राइट हैंड रूल क्या होता है कि आप फर्स्ट वेक्टर पे अपनी दोनों वेक्टर्स को आप कंबाइन करते हैं, इसी फिगर को हम देखते हैं, ठीक है, दोनों वेक्टर्स को आप कंबाइन करेंगे, ये आर है, दोनों की टेल्स को कंबाइन करेंगे, ये एफ है, आर पर अपना राइट हैंड रख के F की तरफ घुमाएंगे, R या L दोनों में, दोनों से मेरा मतलब एक ही है, मूवमेंट आर्म ही है, ठीक है। R पे अपना हैंड रख के आप राइट हैंड F की तरफ कर्ल करेंगे तो आपका जो थंब है वो आपको डायरेक्शन देगा टॉर्क की, ठीक है।
और ये डायरेक्शन क्या होगी, चले ये ऐसे ऐसे रोटेशन है ना, ये आपकी फिंगर्स, तो ये आपका थंब, थंब जो है ये हमें डायरेक्शन दे रहा है टॉर्क की, विच इज परपेंडिकुलर टू आर एंड एफ। ठीक है, ये वर्टिकली अपवर्ड है और इसकी रोटेशन ऐसी है, ये इस डायरेक्शन में रोटेशन है। ठीक है, तो टॉर्क जो है वेक्टर क्वांटिटी है एल और एफ की। ये आपको यहां से इसलिए भी पता चल गया होगा कि अगर आप फोर्स, यहां मैंने 90 के एंगल पे फोर्स लगाई थी, ये परपेंडिकुलर थी इस दरवाजे के, इसी तरह यहां पर भी आप देखिए मूवमेंट आर्म की परपेंडिकुलर फोर्स थी, क्योंकि इन एग्जांपल्स में हम कंसिडर कर रहे हैं मैक्सिमम टॉर्क। अब अगर किसी एंगल पे लगती है ये फोर्स, फॉर एग्जांपल ये यहां पर ऐसे लग रही है और एंगल थीटा बन रहा है, तो आपको पता है कि रोटेशन कम हो जाएगी, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। अगर 90 पे मैक्सिमम हो और जैसे जैसे हम जीरो की तरफ जाते रहे तो टॉर्क मिनिमम से जीरो होता जा रहा है, टॉर्क जीरो हो जाएगा अगर हम, अगर थीटा जीरो है, तो इसका मतलब है कि ये डिपेंड कर रही है क्वांटिटी साइन थीटा पे, और हमें पता है कि वेक्टर क्वांटिटी वैसे भी साइन थीटा पे डिपेंड करती है। तो एल एफ साइन थीटा एन है, ये हमारे पास टॉर्क की फॉर्म है। क्रॉस प्रोडक्ट एल और एफ की, यानी कि एल एफ साइन थीटा एन हैड, और एन हैड जो है आपके पास राइट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन आती है। ठीक है, अब हम इसी चीज को, इस सारी डिस्कशन हमें अब बहुत क्लियर हो चुका है कि टॉर्क क्या होता है, रोटेशनल इफेक्ट क्या होता है, अब हम इसको जल्दी से जनरलाइज कर लेते हैं। जनरलाइज करने का मतलब है कि हमने पहले डिफाइन कर दिया टॉर्क इज एल क्रॉस एफ। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन इसकी, आप एल क्रॉस एफ का मतलब है एल एफ साइन थीटा, एल जो है वो मोमेंट आर्म है, एफ फोर्स है, मोमेंट आर्म मैंने डिफाइन कर दिया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन पिवट पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। पिवट पॉइंट आपको पता है कि क्या होता है, द पॉइंट अराउंड विच बॉडी रोटेट्स। ठीक है, ये सारी डिस्कशन क्लियर हो गई, और इसकी डायरेक्शन कहाँ से आती है, राइट हैंड रूल से। अब हम एक जनरलाइज एग्जाम्पल करते हैं जो, जिससे ये बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। वो क्या है कि कोई भी बॉडी है हमारे पास रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी का मतलब है अगर आप उस पर फोर्स लगाएं तो उसकी, उसमें किसी किस्म की चेंज नहीं आती, उसका इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, दो पार्टिकल के दरमियान डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। कोई सा इसका पिवट पॉइंट है, ठीक है, मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। पिवट पॉइंट क्या है कि ये जो बॉडी है ये इसके अराउंड रोटेट कर सकती है, यानी कि अगर मैं इस पर किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगा के रोटेट करूँ तो ये ऐसे रोटेट करेगी। ठीक है, समझ आ गई, इस पॉइंट के अराउंड रोटेट करेगी, और या इसको आप ऐसे कर लें कि यहाँ पर, चलें ऐसे कंसिडर कर लें कि एक रॉड है, इस तरह आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में ज़्यादा मदद होगी। ये रॉड है तो ये बॉडी जो है ये इसके अराउंड रोटेट करती है, और इसी तरह की सिमिलर हम यहाँ पर इसके बिल्कुल पैरेलल बना लेते हैं। ये इसका पिवट पॉइंट, ठीक है, ये इसके अराउंड रोटेट करती है। अब क्या है कि पिवट पॉइंट पर, ये इसको मैं रेज कर देता हूं, अब ऐसे है कि इस पूरी बॉडी पर ये इसका पिवट पॉइंट है, ये पॉइंट इसका पिवट पॉइंट है, ये पॉइंट। अब क्या है कि इस बॉडी पर मैंने कहीं भी फोर्स लगा देती हूँ किसी भी डायरेक्शन में, आर्बिट्री डायरेक्शन में, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने फोर्स लगा दी, ठीक है, और इसी तरह ये मैंने फोर्स लगा दी, ये एफ और ये एफ। ठीक है, अब हम मोमेंट आर्म को कैसे डिफाइन करते हैं कि इस पॉइंट से, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से पिवट पॉइंट तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो मैं क्या करूं कि इन दोनों को कंबाइन कर दूं, ये यहां से, और ये पॉइंट जो है इसको यहां से। ठीक है, सो पिवट पॉइंट से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ये एरो, पिवट पॉइंट से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ये इसका मूवमेंट आर्म, और ये यहां पे मूवमेंट आर्म। ठीक है, अब आपने क्वेश्चन ये है कि इन दोनों बॉडीज में, इस बॉडी में सेम बॉडीज हैं, सेम फोर्सेज हैं, सब कुछ है, मैंने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आपको बताने के लिए दो अलग अलग फिगर्स बनाई हैं, तो इसमें बॉडी पे टॉर्क कितना है, तो हमें पता है टॉर्क क्या होता है कि आप क्या करें, फोर्स का वो कंपोनेंट निकालें जो मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर है, या मोमेंट आर्म का वो कंपोनेंट निकालें जो फोर्स के परपेंडिकुलर है। ठीक है,
फोर्स का वो कंपोनेंट जो मूवमेंट आर्म के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कि मूवमेंट आर्म वाली लाइन को आप एक्सटेंड करें थोड़ा सा और फोर्स के कंपोनेंट ड्रॉ करें। ये अगर एंगल थीटा है तो मूवमेंट आर्म के परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट है, एफ साइन थीटा। इसी तरह यहां पर इस फिगर में हमने क्या करना है, मोमेंट आर्म का वो कंपोनेंट निकालना है जो फोर्स के परपेंडिकुलर है। फोर्स की लाइन को हमने थोड़ा सा बैकवर्ड एक्सटेंड किया, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन सेम होगी, यहाँ पे मोमेंट आर्म की डायरेक्शन मैंने चेंज नहीं की थी, वो यहाँ पर भी जो है वो यहाँ पर भी वही है। और अब यहाँ पर आपने मोमेंट आर्म के कंपोनेंट ड्रॉ करने हैं। अब हम कौन से कंपोनेंट में इंटरेस्टेड है, जो कंपोनेंट फोर्स के परपेंडिकुलर है, ये फोर्स है, ठीक है, और ये मोमेंट आर्म का कंपोनेंट है एल साइन थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। और टॉर्क क्या होगा, यहां पर टॉर्क क्या होगा, एल का मैग्नीट्यूड, और फोर्स का वो कंपोनेंट जो मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर है। इसी तरह यहां टॉर्क क्या होगा, फोर्स, और मोमेंट आर्म का वो कंपोनेंट जो मोमेंट आर्म का वो कंपोनेंट जो फोर्स के परपेंडिकुलर है, यानी एफ एल साइन थीटा, ठीक है। यहां डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन आपको हमें राइट एंड रूल से ही पता चलेगी, और वो डायरेक्शन जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी इस प्लेन के, ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। तो एल एफ साइन थीटा या एफ एल साइन थीटा, इसका मतलब है कि टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या है, एल क्रॉस एफ, ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड प्लस इसका इसकी डायरेक्शन दोनों, और सिर्फ मैग्नीट्यूड इसका क्या है, एल एफ साइन थीटा, क्योंकि ये नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, तो इसमें ऑर्डर का मसला नहीं है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड मैंने लिखा। जब आप इसकी डायरेक्शन के साथ इसका पूरा वेक्टर लिखेंगे तब ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट, तब आप सिर्फ इसको एल क्रॉस एफ ही लिखेंगे, क्योंकि डायरेक्शन एल क्रॉस एफ की और एफ क्रॉस एल की डिफरेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये डिस्कशन एक जनरलाइज्ड फॉर्म हमने कर दी, मैंने आपको बता दिया कि इसेंशली आप क्या करते हैं, आप फोर्स और मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर, फोर्स का वो कंपोनेंट जो मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, या मोमेंट आर्म का जो कंपोनेंट फोर्स के परपेंडिकुलर है, उन दोनों की प्रोडक्ट लेकर आप फाइनल जो है टॉर्क निकालते हैं, रोटेशन हमें ऐसे पता चलती है। यहाँ ये हमारी जो क्वांटिटेटिव ये एक्सप्लेनेशन है इसकी ख़त्म होती है। एक इम्पॉर्टेंट आपको मैं बात बता दूं कि टॉर्क का यूनिट जो है वो आपको पता चल ही गया होगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, और मोमेंट आर्म जो है वो डिस्टेंस है, ठीक है, तो इसका यूनिट मीटर है, तो इसका यूनिट्स ऑफ टॉर्क ऐसा यूनिट क्या हुए, न्यूटन मीटर, न्यूटन फोर्स से आया है और मीटर जो है वो मोमेंट आर्म से आया, साइन थीटा का यूनिट नहीं होता, आपको पता है, ठीक है। आखिर में एक छोटी सी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, वो ये कि जिस तरह टॉर्क आपको पता है कि रोटेशनल मोशन को प्रेजेंट करता है, ठीक है, जिस तरह लीनियर मोशन में फोर्स होती है, जब भी फोर्स एक्ट करती है किसी बॉडी पर तो एज ए रिजल्ट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, ठीक है, इसी तरह रोटेशनल मोशन में या सर्कुलर मोशन में वही काम टॉर्क करता है, यानी कि जब भी किसी बॉडी पर टॉर्क एक्ट करेगा तो एज ए रिजल्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करती है वो रोटेशनल मोशन में टॉर्क करता है, यानी कि लीनियर मोशन में जो फोर्स की सिग्निफिकेंस है वही रोटेशनल मोशन में या सर्कुलर मोशन में टॉर्क की सिग्निफिकेंस है, यानी कि जैसे आप कहते हैं कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो उसकी एक्सेलरेशन जीरो होती है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, इसी तरह अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रही हो तो उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होती है, या रेस्ट पर हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रही हो, अनलेस आप उस पर कोई फोर्स लगाएं तब तक उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज नहीं होती, जब आप उस पर फोर्स लगाते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहती। इसी तरह जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रोटेट कर रही हो तो अनलेस आप उस पर टॉर्क अप्लाई करें उस वक्त तक उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहती है,
जैसे ही उसमें टॉर्क अप्लाई होता है उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। अदरवाइज उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो होती है और उसका मतलब है उसमें टॉर्क भी जीरो होता है। नहीं, जब तक एक्सेलरेशन जीरो होगी फोर्स जीरो होगी। ये न्यूटन लॉ है ना, ये उसी की हमने एनालॉजी ढूंढ ली है रोटेशनल मोशन में। लीनियर मोशन में न्यूटन लॉ ये हमें बताते हैं, रोटेशनल मोशन में ये हमने उसी के पैरेलल अपनी एग्जांपल एक खुद ही फॉर्म कर ली, ठीक है। तो ये सारी डिस्कशन जो है ये टॉर्क, आई होप अब आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा।